भीषण गर्मी का सीधा असर लोगों के शरीर पर पड़ रहा है। खासकर गर्मी बढ़ते ही अस्पताल में मरीजों में बच्चों की संख्या में इजाफा होने लगा है। अस्पताल में चाहे दवा वितरण काउंटर हो या फिर डॉक्टर का कक्ष, सभी जगह भीड़ बढ़ने से मरीजों को इलाज कराने की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए डॉक्टर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मरीजों को देख रहे हैं। आपको बता दें, मौसम में बदलाव के साथ ही उल्टी, दस्त व पेट दर्द की बीमारी ने दस्तक दी है। मंगलवार को जिला अस्पताल में ऐसे दर्जनों मरीज पहुंचे थे जिन्हें उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत थी। सभी को दवाई देने के बाद घर भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश कुमार गौरव ने कहा, कब से बुखार लग रहा है? कल से। अच्छा, बच्चा को नुकसान करेगा, ठीक है। अब फिर हमको अगले मंगल के ला के दिखाओगे? यहाँ दिखा दीजिए, गए थे एक हफ्ता दवा चला लेते, अल्ट्रासाउंड करा देख लेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गणेश कुमार गौरव है, मैं यहाँ पेडियाट्रिशियन पर हूँ, बच्चे के स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, हमारे पास इस समय बच्चे जो आ रहे हैं, ये दो चार दिन से जो गर्मी टेम्परेचर बढ़ने के कारण बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं लूज मोशन और वोमिटिंग और फीवर लेके। इस समय बच्चे की तादाद बढ़ गई है इस तीनों कंप्लेंट के लिए, पेट में दर्द, लूज मोशन और उल्टी और बुखार। सर, इससे किस तरह से लोग बचाव कर सकते हैं? अब इसमें बचाव, टेम्परेचर, घर से बाहर ना निकले, धूप में ना निकले, बासी खाना ना खाए, ताजी खाना खाए, सर सफाई रखे, ताजी पानी पिए, ये सब करना पड़ेगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से दिखावे। तो लॉकडाउन में बहुत से लोग आ भी नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी क्या? और लॉकडाउन में अगर नहीं आ पाते हैं और इस धूप में नहीं निकल पाते हैं, तो मेरा नंबर वाला है 9450890414, ये नंबर पर लोग सलाह लेते हैं, उनको बस सलाह देते हैं, दवा बताते हैं, ठीक होता है। पेपर में भी आया था मेरा नंबर।